नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। सीमा हैदर मामले में बड़ी अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं और साथ ही कम भी हो सकती हैं। अब यहां सूत्रों की माने तो नोएडा पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। ऐसे में पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में घुसने वाली सीमा हैदर के खिलाफ चार्जशीट जल्द ही दायर की जा सकती है। माना यह जा रहा है कि तकरीबन एक से दो दिन के भीतर ये चार्जशीट दायर की जाएगी, जिसमें सीमा हैदर को लेकर के जिन जिन एंगल से जांच की गई है वो तमाम चीजें लिखी हुई होंगी। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS से जुड़ाव का शक था भारतीय पुलिस को। ऐसे में जो जांच की गई है उस पूरे मामले में पाकिस्तानी ISIS जासूस होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, यानी कि सीमा हैदर के लिए ये एक राहत भरी खबर हो सकती है। लेकिन अभी तक इंतजार करना होगा चार्जशीट में, क्योंकि चार्जशीट में कई और बातें लिखी गई हैं। कॉल डिटेल से लेकर के सोशल मीडिया डिटेल तक खंगाला गया है और साथ ही तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा पाकिस्तानी रिपोर्ट का भी। आपको बता दें कि सभी की नजरें अब चार्जशीट पर टिकी हुई हैं। चार्जशीट में जो चीजें हैं वो काफी खास हैं। साथ ही सीमा हैदर को पाकिस्तान भी डिपोर्ट किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें जो हैं वो काफी सोशल मीडिया पर चलाई जा रही हैं। बता दें कि सीमा हैदर को नौकरी से लेकर के फिल्म भी ऑफर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान से भी इसकी कंफर्मेशन ली गई है कि क्या सीमा हैदर का ISIS के साथ कोई भी लेना देना है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसमें किस तरीके से अपना जो पूरा कच्चा चिट्टा है वो सामने ला करके रखती हैं और सीमा हैदर की पोल खोलती हैं।